हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आपको पता ही है संडे, और संडे का दिन जो होता है घूमने का होता है, एंजॉय करने का होता है। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट एक बहुत अच्छी जगह है ट्रेवल के लिए और घूमने फिरने के लिए। तो गाइस, अभी मैं मेट्रो स्टेशन हूँ। गाइस, मैं आ गया हूँ इंडिया गेट। और इंडिया गेट दूर से इतना अच्छा लग रहा है ना, ये पास जाके तो पूछो मत, हो छुड़ जाएंगे भाई। मैं घूम के आया था पिछले साल, और इस साल का जो मैंने नज़ारा देखा है इंडिया गेट का, मैं करीबन एक साल बाद यहाँ इंडिया गेट पर आया हूँ, मेरे हो छुड़ गए दूर से देखते। अब मैं उसके पास जाऊँगा और देखूँगा क्या नज़ारा है वहाँ का। और यह दूर से देख के ही कुछ अलग ही नज़ारा महसूस हो रहा है। और अभी मैं धीरे धीरे चलते चलते वीडियो बनाऊँगा इंडिया गेट के पास तक की, और उसके पास जाके देखेंगे फिर क्या नज़ारा है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, यहाँ का जो क्राउड है पीछे आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं इंडिया गेट के पास। गाइस, देखो इंडिया गेट पहुँच गए हैं। इंडिया गेट का नज़ारा दूर से इतना अच्छा है। देखो गाइस, कैमरा मैं आपको दूर करके दिखाता हूँ कितनी दूर हूँ मैं इंडिया गेट से। गाइस देखो, इतना नज़ारा इतना अच्छा है कि भीड़ क्राउड है। एक तो ही है संडे है, जिसकी वजह से भीड़ इतनी सारी है। देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज संडे है तो भीड़ ज़्यादा है, बाकी दिनों भी बाकी दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, आज कुछ ज़्यादा है। दिल्ली में ये तो है दिन और रात नहीं देखा जाता, घूमना है तो घूमना है। फोटो करने फोटो कर रहे फोन में डाल दिया 20। हमारे सचिन भाई हैं जो आज हमारे साथ आए थे इंडिया गेट। सचिन भाई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है भाई, मज़ा आ गया। हाँ जी बिल्कुल, आओ तुम्हें और दिखाते हैं इंडिया गेट। भाई बड़ा प्यारा व्यू है, ऐसा शायद पहले भी नहीं था, क्योंकि अभी इसको करीबन एक साल के करीब हुआ है क्लियर हुए, और ना इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पिछले एक साल से। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था। हाँ, खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ है, आइसक्रीम आइसक्रीम चले, बर्गर टिक्की वगैरह। फायर पान वाला मुर्शिदा भाई, फायर पान वाला बॉबी भैया, भेलपुरी वाला सलीम भैया, ऑटो वाला। तो भाई फायर पान वाले भाई को देख के मन हुआ आज पान खाया जाए, वो भी फायर पान। आज मेरा फर्स्ट ट्रायल है, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मुझे फायर से आग वगैरह जो होती है इनसे डर लगता है, लेकिन ये एक छोटा सा पान है तो ट्राई करने में क्या। मुर्शिदा भाई फायर पान वाला बॉबी भैया, भेलपुरी वाला सलीम भैया, ऑटो वाला। हम
बोलो भैया, बोलो भैया। तो भाई तुम्हारे भाई ने आज पान ट्राई कर लिया, वो भी फायर पान। जिंदगी में पहली बार खाया था, वो भी डर डर के कहीं चारा ना जल जाए, मुँह ना जल जाए। अरे लोग मजा आ गया इंडिया गेट घूमने में। इंडिया गेट पीछे है अगर आपको दिख रहा हो तो। रात का टाइम हो गया, घर चलने का टाइम है। घर वाले पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ गया है जगदीश। वैसे तो मैं बिना बताए आया था, फिर अब देखते हैं क्या होता है घर जाके, क्योंकि व्लॉग भी ज़रूरी था। व्लॉग बनाने के लिए घूमना तो पड़ेगा ना मेरी जान। सचिन भाई सामने क्या है वो? वो है संसद भवन, जहाँ पे इंडिया के सारे मंत्री बैठते हैं, दिल्ली के सारे मंत्री बैठते हैं, जहाँ पे हर तरह की मीटिंग होती है मंत्रियों के बीच में। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ संसद भवन, मंत्रालय जैसे बोलते हैं। गाइस एक बात बताओ, आप लोगों में से बुढ़िया के बाल किस किस ने खाए हैं? जब हम छोटे थे तो उसको बुढ़िया के बाल कहा करते थे, लेकिन अब उसको कैंडी बोलते हैं। चलो चलते हैं कैंडी वाले के पास और ट्राई करते हैं। ये रही वो बुढ़िया के बाल। भाई कैंडी बोलते हैं इसको, बुढ़िया के बाल, कैंडी क्लॉस। और जब हम छोटे थे तब क्या बोलते थे इसको? बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल बोलते हैं ना। जमाने के साथ चीज़ें भी बदल रही हैं। जी जी। और प्राइस कितना है इसका? 20 है। चलो दे दो, दो गाइस कमेंट करके बताओ आपके यहाँ इसको शुरू से कैंडी कहते हैं या बुढ़िया के बाल भी कहते थे? हमारे यहाँ तो बुढ़िया के बाल आज तक भी कहते हैं, कैंडी तो यह है। किसी अच्छे स्टोर गए तो कैंडी कह दिया, लोकल स्टोर आए तो बुढ़िया के बाल कह दिया। गली में भी बुढ़िया के बाल ही कहते हैं जो कोई बेचने आता है। नाइट टाइम जैसा हो रहा है, ज़्यादा वैसे बढ़ रही है ठंड, और ठंड में हमें देख के मोमोस आ गया मुँह में पानी। तो लगवाइए एक प्लेट, खा के बताते कैसे हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बस सर्दी में मोमोज बड़ी मजेदार वाली चीज होती है कसम से। घर जाने का टाइम, मजा आ गया भाई मोमोज खा के। सचिन की तो आवाज भी नहीं निकल रही। कैसे लगे मोमोज? बढ़िया लगे भाई, सर्दी में मजा आ गया। ठंडी हो रही है काफी, गरम गरम मोमोज खाए अच्छे लगे खाने में। तो गाइस अगर आप भी इंडिया गेट घूमने की सोच रहे हैं तो इंडिया गेट आने के लिए मैं आपको मेट्रो का रूट बताता हूँ। नियर बाय मेट्रो स्टेशन जो है इंडिया गेट का, वो है सेंट्रल सेक्रेटेरियट, यानी कि केंद्रीय सचिवालय। इससे बढ़िया बेस्ट और रूट आपके लिए कोई नहीं होगा बाय मेट्रो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।